गंगा अवतरण दिवस के मौके पर गाजीपुर के वरिष्ठ डॉक्टर के साथ सामाजिक और राजनीतिक रसूख रखने वाले लेकिन मन से कवि डॉक्टर अवधेश की ये स्वरचित रचनाएं श्रोताओं के मन भाव को विभोर कर देती हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में डॉक्टर ने अपनी रचनाओं को पढ़कर सुनाया है, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे फादर्स डे। पिता का आज का दिन माना जाता है और इस दिन जो है पिता जो है कैसे अपने भूमिका को इस संसार में निभाता है, अपने बच्चों को कैसे पालता है, अपने बच्चों के बारे में किस तरह सोचा है, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज में और यहाँ हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गीतकार हैं, फिल्मकार हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये लेखनी के काफी धनी और मजबूत हैं और फिल्मों में इनके गीत को लिया जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश जी और इनसे हम बात करेंगे कि आज फादर्स डे पे क्या कहेंगे और गीत के माध्यम से भी ये बताएंगे कि किस तरीके से जो है एक पिता की भूमिका अपने बच्चों और परिवार और लोगों के लिए होता है। हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश जी। अवधेश जी, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आज फादर्स डे है जी, क्या कहेंगे इस पे, क्या विचारधाराएं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और बाहर भी जो हमारे लोग हैं उनको फादर्स डे पे सबको बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। अवधेश जी, आपने फादर्स डे पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे गीत लिखे हैं, आपके फिल्मों में भी गीत को एक्सेप्ट किया गया है, तो हम जनता जानना चाहेगी गीत के माध्यम से कि फादर्स डे पे किस तरह के गीत प्रस्तुत करेंगे जो एक भाव व्यक्त करे एक पिता होने के नाते। देखिए, पिता क्या है, पिता एक दिए जैसे है जो खुद जलकर घर को रोशन करता है। एक मैं गीत लिखा हूं पिता के लिए, गार्जियन के लिए, और वो दर्द या वो सारी चीजें जो कि पिता स्वयं महसूस करता है। कोई पिताजी मेरे भी थे, आप लोग के भी पिता हैं, सभी लोगों के पिता हैं या रहे होंगे, क्या महसूस करते हैं वो गीत के माध्यम से मैं सुनाऊंगा आपको। अभी क्या है गीत का भाव, जैसे उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पिता का क्या है कि पिता क्या सोचता है, पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री जो भी हो सही काम करे, सही दिशा में जाए, अपने परिवार का नाम, अपने घर का, अपने कुल का, देश का, सबका नाम रोशन करे, ये पिता चाहता है ना। लेकिन जो लोग भटकने वाले हैं उनको भी पिता क्या है कि उनको, जो बच्चे भटकते हैं उनको भी रास्ता दिखाता है पिता। घर का खर्च से लगाई और सारी जो घर का जो सिस्टम जब जितना है वो सब सारी जिम्मेदारी पिता की होती है। तो उसके उसी परिप्रेक्ष्य में एक मैं गीत लिखा हूँ, गीत तो बहुत पहले का है, मैं आपको सुनाता हूँ। जल जल के जगे रोशन करूं, जल जल के जगे रोशन करूं, निर्भय निशा से ना डरूं, जल जल के जगे रोशन करूं, निर्भय निशा से ना डरूं, आसार हूं पथ भ्रमितों का, मैं अंत को निज तय करूं, जल जल के जग रोशन करूं, निर्भय निशा से ना डरूं, आसार हूं पथ भ्रमितों का, मैं अंत को निज तय करूं, हर दम स्वयं के अश्रुओं को मैं पिया हूं, मैं एक दिया हूं, मैं एक दिया हूं, बिन मेरे नैनों का है क्या, शत्रु मेरी या वो हवा, मैदानों का काल हूँ, सब कुछ है पर कंगाल हूँ, बिन मेरे नैनों का है क्या, शत्रु मेरी या वो हवा, मैदानों का काल हूँ, सब कुछ है पर कंगाल हूँ,
खुद को मिटा कर इस धरा पर मैं जिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मैं एक प्रकाश कुटुंब का, दर्पण कई प्रतिबिंब का, सन्मार्ग का आभास हूँ, नौ युग की उज्जवल आस हूँ, मैं एक प्रकाश कुटुंब का, दर्पण कई प्रतिबिंब का, सन्मार्ग का आभास हूँ, नौ युग की उज्जवल आस हूँ, सपनों को अपने घोल कर मैं भी पिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मिटने का पछतावा नहीं, जीने का अब दावा नहीं, चलना तुम्हारे हाथ में, कब तक रहूंगा साथ में, मिटने का पछतावा नहीं, जीने का अब दावा नहीं, चलना तुम्हारे हाथ में, कब तक रहूंगा साथ में, एक सत्य के संदर्भ की आशा किया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, जल जल के जग रोशन करूं, निर्भय निशा से ना डरूं, आसार हूँ पथ भ्रमितों का, मैं अंत को निज तय करूं, हर दम स्वयं के अश्रुओं को मैं पिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मैं एक दिया हूँ। वाह वाह, क्या उपदेश दिया आपने फादर्स डे पे। आपने एक दर्द भरी गीत, एक पिता होने का जो एक लेवल है, जो एक पिता सोचता है, उसको आपने गाने में पिरोया हुआ है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज मैं बता दूं कि आप राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, राजनीति से भी संबंध रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पेशे से चिकित्सक भी हैं, और साथ ही ये सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत के आप हस्बैंड भी हैं, और कुल मिला के मैं बता दूं कि ये फिल्मों में अपनी संगीत भी गीत भी देते हैं, और इनके कई फिल्मों में गीत आने वाले भी हैं। निश्चित तौर से फादर्स डे पे जो जिस तरीके से इन्होंने एक अपने गाने के माध्यम से जो एक संदेश दिया है, वो निश्चित तरह से काफी सराहनीय है। मैं आलोक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, गाजीपुर।